हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने कुछ सब्जियां ले रखी हैं, गोभी ले रखी है, दो गाजर हैं, थोड़ी सी बीन्स है, और ये मैंने शिमला मिर्च लिए हैं दो, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने दो बड़े साइज़ के आलू काटे हैं, और ये मैंने कुकर ले लिया है। अब सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे हम। सबसे पहले आलू डाल देंगे, और ये जो सारी सब्जियाँ हमने ली थी इसको भी हम इसी में डाल देंगे साथ में ही। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं, आप जितना बनाना चाहें। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे। अब सब्जियों को हम उबलने के लिए रख देंगे। गैस को ऑन कर देंगे हम, और दो सीटी आने तक सब्जियों को हम उबाल लेंगे। ये देखिए दो सीटियां आ गई हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब कुकर को हम साइड में रख देंगे ताकि इसकी गैस जल्दी निकल जाए। और ये मैंने तीन प्याज ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने चार टमाटर लिए हैं, टमाटर को हम छोटा छोटा काट लेंगे। टमाटर को मैंने काटा नहीं है, इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। और जो हमने सब्जियाँ उबलने के लिए रखी थी उसको मैंने अच्छे से धो के तो काटा था, उसके बाद हमने उबलने के लिए रखा था। टमाटर हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, सब्जियों को हमने पहले से ही काट के रखा था क्योंकि सब्जियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही काट के रखा है। ये देखिए टमाटर एकदम छोटा छोटा काट लिया है हमने, अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है, मटर ये वाली पहले से उबली रहती है इसलिए मैंने इसको उबाला नहीं है। इसको जब हम पाव भाजी बनाएंगे तड़का लगाने के बाद, उसके बाद हम इसको डालेंगे, और जब कुकर की सीटी निकल जाएगी तब हम पाव भाजी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए कुकर की गैस निकल गई है और मैंने सब्जियों को एक बाउल में डाल लिया है। और ये मैंने कुछ अदरक लिए हैं और थोड़े से लहसुन लिए हैं, इसको मैंने कूट लिया है। और ये मैंने तीन चार हरी मिर्च ली है, इसको मैंने कूट लिया है। और ये मैंने चुकंदर लिया है, चुकंदर को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, मैं साथ में रखना भूल गई थी इसलिए मैंने अलग से इसको उबाला है। अब चलिए हम पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, अब गैस ऑन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑयल डाल देंगे। आप जितनी सब्जी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑयल डाल सकते हैं, और एक चम्मच बटर डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जीरा रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक और मिर्च डाल देंगे जो हमने कूट के रखा था, इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। पाव भाजी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लहसुन अदरक मिर्च को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए अदरक लहसुन मिर्च अच्छे से हो गया है। अब ये प्याज डाल देंगे जो हमने छोटा छोटा काट के रखा था, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। पहले हमने फ्लेम को कम रखा था जब लहसुन अदरक मिर्च डाला था, इस टाइम हमने फ्लेम को तेज कर दिया है। आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में शेयर भी करिए। अगर रेसिपी पसंद आए कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी बनी है। प्याज को हमें थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही ब्राउन रखना है। ये देखिए प्याज हल्का रोस्ट हो गया है और हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे जो हमने पहले काट के रखा था, अच्छे से मिला देंगे टमाटर को और अच्छे से भून लेंगे टमाटर। और इसके साथ ही हम मटर डाल देंगे, ये मटर हल्का उबला हुआ है, अब अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम को मैंने तेज़ी रखा है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, और ये मैंने दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है इसको डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है ये डाल देंगे, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च है ये भी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे, मतलब सारे मसालों को अच्छे से हम मिला देंगे। फ्लेम को हमें कम करना है इस टाइम। टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे, नमक को हम अच्छे से मिला देंगे। और ये जो हमने चुकंदर लिया था ये भी हम इसमें डाल देंगे, चुकंदर को भी हम अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। अभी सारी सब्जियां हमने डाली नहीं है, अभी सब्जियों को हम बाद में डालेंगे, पहले हल्का सा भून लेंगे इसको।
अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे, ये जो हमने सब्जियां ली थी इसको हम डाल देंगे इसमें और कपड़े की सहायता से पकड़ के अच्छे से मिला देंगे। मैंने सब्जी का पानी निकाला नहीं था, इसमें ही डाल दिया था क्योंकि वैसे भी ऊपर से पानी डालना है, इसलिए अच्छे से मिला देंगे सब्जियों को। फ्लेम को हम हल्का सा तेज़ कर देंगे। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिला दिया है, अब सब्जियों को हम मैश कर लेंगे इसी में। फ्लेम को कम कर देंगे, उसके बाद हम अच्छे से मैश कर देंगे इसी में। सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मैश कर देना है। ये देखिए भाजी को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अभी थोड़ी सी गाढ़ी है भाजी, इसमें पानी हम डालेंगे। मैंने ये गर्म पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। पहले हम थोड़ा सा डाल के मिला के देखेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो दोबारा से डालेंगे। धीरे धीरे हम हल्के हैंड से चला देंगे वरना छींटा ऊपर आएगा। फ्लेम को हमने हल्का सा तेज़ रखा है। भाजी अभी हल्की सी गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए पानी को मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब थोड़ी देर हम भाजी को पका लेंगे, 5 मिनट। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। ये देखिए भाजी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, ये मैंने छोटे छोटे पनीर काट लिए हैं, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे पनीर को। और इसके ऊपर से धनिया डाल देंगे, धनिया मिला देंगे अच्छे से। अगर आप पनीर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने इसमें पनीर डाला है, आपकी मर्जी हो तो आप डाल सकते हैं। भाजी मैंने एकदम मार्केट जैसी बनाई है, मार्केट में भी पनीर डालते हैं भाजी में। ये देखिए पनीर को भी हमने मिला दिया है। अब इसमें हम बटर डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से और अच्छे से मिला देंगे। 1 चम्मच बटर डाला है हमने और इसके ऊपर से थोड़ा सा घिसा हुआ पनीर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए भाजी बनकर तैयार है। अब चलिए हम पाव को सेक लेते हैं। कढ़ाई को हम साइड में रख देंगे। ये हमने तवा ले लिया है, इस पर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, बहुत हल्का सा लाल मिर्च डाल देंगे। ये हमने पाव लिया है, पाव को हम इस पर अच्छे से ऐसे करके फैला देंगे, दोनों तरफ सेक लेंगे। इसके दूसरी तरफ भी हम सेक देंगे बटर से। इसके ऊपर से हम धनिया डाल देंगे और दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए पाव अच्छे से सिक गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, गैस को हम बंद कर देंगे। ये हमने प्लेट ले ली है, मैंने पाव इसमें रख दिया है। अब इसमें हम भाजी डाल देंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी है, एक बार आप सभी ज़रूर बना के ट्राई करें। अब ये सैलड हम रख देंगे साइड में। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे सैलड के, और भाजी के ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये देखिए पाव भाजी बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसी भाजी बनी है। आप सब एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी बनी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।